हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल. और आज बच्चों आपका यहाँ पर है लेक्चर नंबर 9 फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. यहाँ पर मुझे चैट में कुछ बच्चे लिख के बता रहे हैं सर लेक्चर नंबर 9, इतना सारा पीएनसी पढ़ रहे हैं हम. यस डेफिनेटली, लेकिन ये हमारा पीएनसी का आखिरी लेक्चर होने वाला है. इस लेक्चर में जो हमारा फाइनल कंसेप्ट बचा है डिस्कशन का, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम. ठीक है, तो हम उसको थोड़ा सा अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में, और उसके बाद में हम लेकिन मिलते रहेंगे क्विज के थ्रू, है ना, जहाँ पर हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के. ये इतने जल्दी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है चैप्टर, ठीक है, और प्लस हमें मजा भी आता है करने में. तो फिर यहां पर अगर और भी क्वेश्चंस करेंगे तो क्या दिक्कत है, ठीक है. सो वी कैन डेफिनेटली कीप ऑन डूइंग क्वेश्चंस, लेकिन कंसेप्चुअली आज हमारा यहां पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म होने वाला है. ठीक है, अगर कोई हमें अभी ज्वाइन कर रहा है तो बच्चा डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर सारे प्लेलिस्ट में वीडियोस एडेड है. ठीक है, 1 से लेकर 8 तक अच्छे से देखो, उसके बाद में ये लेक्चर आपको ज्यादा पिकअप करने में आसानी होगी. ठीक है, ऑलराइट. लेकिन अगर कोई हमें यहाँ पे रेगुलरली फॉलो कर रहा है विद डिसिप्लिन, ठीक है, तो आज के लेक्चर में उसको मजा आने वाला है. अगर यहाँ पर कोई रिपीटर है तो उसको डेफिनेटली ये टॉपिक पता होगा पहले से, मल्टीनोमियल थ्योरम, और उसमें डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ दिक्कत तो आई होगी. आज मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से पढ़ाऊँ कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में आगे से दिक्कत ना आए. ठीक है, ऑलराइट. तो आई एम मैथमेटिक्स मेंटर समीर चिंचोलीकर ऑन द चैनल अनअकैडमी जेई. आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बेसिकली हमने मेथड्स बनाई है बच्चों, ये विद एक्सपीरियंस बनी है, है ना. बिल्कुल स्टार्टिंग में इस तरह से नहीं पढ़ाते टीचर्स, लेकिन फिर पढ़ाते पढ़ाते कुछ ना कुछ नए टेक्निक्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए. तो वो सब यहाँ पर जो हमारा एक्सपीरियंस है जो बाकी टीम मेंबर्स के पास भी है, वो हम यूज़ करके कोशिश कर रहे हैं कि इसके थ्रू आपकी जितनी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी में उतनी हम करना चाहते हैं. ठीक है, ऑलराइट. तो अब ये जो पर्टिकुलर हमारा मिशन है जहाँ पर हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर फ्री, ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म और है जिसके ऊपर हम मौजूद हैं, विच इज़ अनअकैडमी प्लस. अनअकैडमी प्लस क्योंकि एक सेपरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पढ़ाने में हमें काफ़ी हेल्प करती हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्लासेस जो हैं बिल्कुल इंटरएक्टिव क्लासेस होती हैं, बच्चे डाउट्स डिस्कस करते हैं उसी टाइम पर जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो एक ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर क्लैरिटी आती है टॉपिक को समझने में. ठीक है, प्लस वहाँ पर पोलिंग का फीचर है जिससे मुझे पता चलता है कि यहाँ पर अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया है जिसके ABCD ऑप्शंस हैं, तो कितने परसेंट क्लास यहाँ पर सही आंसर दे रही है, कितने परसेंट क्लास गड़बड़ कर रही है. ठीक है, ताकि मैं उस क्वेश्चन को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं. तो ये जो एडिशनल फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है उससे टीचिंग में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, उससे अंडरस्टैंडिंग में बच्चों को और ज्यादा हेल्प मिलती है. ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये हेल्प करता है, लेकिन क्योंकि यहां पर थोड़ी मेहनत लगी है बनाने में, ठीक है, तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करने का कुछ एक बेसिक कॉस्ट है, लेकिन वो डेफिनेटली बच्चों अगर आप देखोगे तो दैट इज रियली समथिंग बेसिक कॉस्ट. ठीक है, जो यहां पर प्लेटफॉर्म रन करने के लिए चाहिए होता है. ठीक है, लेकिन यहां पर जो एडिशनली आपको फैसिलिटीज मिलेगी दैट बियॉन्ड पार. ठीक है, यहां पर जो फैसिलिटीज मिलेंगी उसके अंदर आपको एडिशनल DPPs मिलती है सॉल्व करने के लिए, आपको वीकली मंथली टेस्ट मिलते हैं, और यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है दैट इज डाउट क्लियरिंग सेशंस. आप यहां पर बच्चों अपने डाउट्स पूछते हो, डाउट पूछना भी बहुत ही आसान है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ए फोटो फ्रॉम योर मोबाइल एंड इट डायरेक्टली अपलोड्स इन द टीचर्स लेक्चर. ठीक है, तो इतना आसान है यहां पर डाउट पूछना, डेफिनेटली आप सब बच्चों ने एक्सप्लोर करना चाहिए. बच्चों अगर आपको सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है आपने, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, थोड़े स्पेशल क्लासेस जरूर अटेंड कर सकते हो. स्पेशल क्लासेस के लिए केवल रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आखिर वहां पर पढ़ाई कैसे होती है. ठीक है, ऑलराइट. और अगर बच्चों आपने एक बार अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके अंदर जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो हम टीचर्स के हों या फिर और भी बहुत सारे टीचर्स जो ऑलरेडी वहां पर पढ़ा रहे हैं उनके हों, आप सभी कोर्सेस अटेंड कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट के लिए अटेंड कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज वन सिंगल सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स. सारे आपके प्रॉब्लम्स यहां पर खत्म हो जाएंगे, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज. ठीक है, टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी प्लस पर एड हो चुकी है, ताकि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस का आइडिया लग जाए. ठीक है, ऑलराइट. तो नाउ दिस इज 100% प्लेटफॉर्म फॉर योर जेई प्रिपरेशन. ठीक है, क्या करना है, मोबाइल में जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके उसके अंदर प्लस वाले पोर्शन में जाके सब्सक्राइब करो आईआईटी जेई सेक्शन को. ठीक है, आईआईटी जेई सेक्शन को सब्सक्राइब करने के लिए आपको अब अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे. अलग अलग ऑप्शंस जो हैं आपके पास में यहां पर अलग अलग मंथ वाइज है. ठीक है, तो आप ये सोच सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितने देर तक चलने वाली है. अगर आपको लग रहा है कि 6 महीने में आपकी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, तो फिर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आपको लग रहा है नहीं हमें एडवांस तक भी रुकना है हम सब टीचर्स के साथ में, तो आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. यहां पर बच्चों आप देख सकते हो प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन अगर आप जेई लाइव कोड यूज करते हो जो हमारी टीम का कोड है, यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट. ठीक है, ऑलराइट. तो इसकी मदद से आपको फर्दर फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाएगा,
है ना, और आपको यहाँ पर पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू करते आएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि प्लस का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो प्लस एक बार आपने ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर, अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर, जहाँ पर हमारी कंटिन्यू होती रहेगी पढ़ाई, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेक्चर नंबर 9 तक पहुँच चुके हैं, और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। अब ये जो टॉपिक है बच्चों थोड़ा सा हैवी वेट टॉपिक है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझने में आपको थोड़ा सा दिमाग तो मारना पड़ेगा, ऑलराइट बच्चों। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा इनिशियली कन्फ्यूजन भी होता है तो थोड़ा सा रुक के सोचना कि हाँ ठीक है, यहाँ पर जो सर ने बात बोली है वो क्या मैं और थोड़ा सा कुछ दिमाग मार के समझ सकता हूँ क्या, ठीक है। पक्के से आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा रुक के इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बोला ये टॉपिक थोड़ा सा हैवी वेट टॉपिक है, ठीक है, तो जैसे हम जिम जाते हैं, अगर है ना, यहाँ पर कुछ बच्चे जिम गए हैं क्या, या फिर एटलीस्ट उन्होंने देखा होगा कि जिम में किस तरह से हम एक्सरसाइजेस करते हैं। तो जब भी हम कोई हैवी वेट एक्सरसाइज करने वाले होते हैं उसके पहले सजेस्टेड होता है कि थोड़ा सा वार्म अप कर लिया जाए, ठीक है। वार्म अप करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपने किस डायरेक्शन में कौन सी मसल को स्ट्रेन देने वाले हैं हम, है ना, ऐसा कुछ होता है ना जिम के अंदर, वैसे हम यहाँ पर कुछ करने वाले हैं। तो एक पर्टिकुलर थॉट है जो मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस थॉट का हम पहले वार्म अप करते हैं, है ना। एक बार आपको वो वार्म अप में फील आ जाएगी कि यहाँ पे मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ आपसे, तो आपको मल्टीनोमियल थ्योरम में भी वो सारी बातें समझ में आएंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन लेंगे तो शायद आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होगा कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें एक साथ बोर्ड पे लिखी हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर चैट में बच्चों मुझे आप आंसर बताते जाओ, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते जा रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। ऑलराइट, चलो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वार्म अप कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा हूं मैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी मैंने आपको, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, और मैं पूछ रहा हूं यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर केवल क्योंकि वार्म अप चल रहा है तो यहां पर जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा इसका आंसर, यस, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में कितना लिखा हुआ है वो उसका कोएफिशिएंट है, मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है बच्चों को बात, इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑल राइट, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आंसर बता रहे हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द राइट आंसर्स ओनली, ठीक है। यहाँ पर मैं गलत आंसर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग अदर देन 3 हियर इन द चैट, ठीक है। ऑल राइट, चलो और आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन देखो, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ अब, ठीक है, कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करके बताओ इन दिस प्रोडक्ट एक्स प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सोचोगे कि अब ये प्रोडक्ट ओपन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उसके अंदर आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन विदाउट ओपन किए भी आप सोच सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर आखिर बनेगा कैसे, अगर मैं सोचने जाऊँ तो कैसे बनेगा, या तो ये एक्स आगे वाले माइनस 4x में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनाएगा, या फिर ये 1 इस 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। तो इस बार कितना आंसर आएगा, सोचो यहाँ पे ध्यान से, एक्स स्क्वायर दो तरीके से बन रहा है बच्चों, गलत आंसर नहीं चाहिए मुझे, अच्छे से देख के बताओ। यहाँ पर आपके पास एक तो 3x स्क्वायर बन रहा है दोनों के कॉम्बिनेशन से, और एक आपके पास यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर भी बन रहा है दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट अगर कोई पूछेगा तो माइनस 1 आंसर आना चाहिए ना, यस निशांत, माइनस 1 आ रहा है आपका। ऑल राइट, बाकी जो बच्चे माइनस 4 बता रहे हैं वो कुछ मिस आउट कर रहे हैं क्या, देखो चेक करो अच्छे से, माइनस 1 आ रहा है यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका, क्योंकि दो अलग अलग टर्म्स है जो कंट्रीब्यूट कर रही है एक्स स्क्वायर बनाने में, ठीक है। एक्स स्क्वायर बनाने में जो जो टर्म्स कंट्रीब्यूट कर रही है आपको उन सभी का यहाँ पर यूज करके फाइनल आंसर बताना है, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे माइनस 4 बता रहे हैं, ध्यान से सोचो कितना आना चाहिए, यस अच्छा कुछ बच्चे 3 बता रहे हैं, ऑब्वियसली 3 वाले ये वाले बच्चे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस 4 वाले ये बच्चे हैं जो उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। आप दोनों जो अलग अलग स्टूडेंट्स हो इनको साथ में सोचना है और माइनस 1 आंसर बताना है, ठीक है, क्लियर हो गया। ऑलराइट, माइनस 1 आंसर आ रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऑलराइट, चलो और थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा हमें, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये थोड़ा सा बेटर था उससे। अच्छा, इसको और थोड़ा बेटर करते हैं, थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने एक्सप्रेशन। आपको अब ये जो दोनों प्रोडक्ट है इन दोनों प्रोडक्ट को देख के बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, ठीक है। इन दोनों को देख के बताना है आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर बच्चों वार्म अप किस चीज़ का चल रहा है, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ समथिंग, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ समथिंग। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आगे जाके मल्टीनोमियल थ्योरम में आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है, इसलिए ये आंसर्स आपको निकालते आना चाहिए। ऑल राइट, चलो तो यहां पर सोचो एक्स स्क्वायर, अगर मुझे एक्स स्क्वायर बनाना है तो कैसे कैसे बना सकता हूं मैं यहां पे, जब ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 5 के अंदर और जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर के अंदर, तो ये दोनों चीजें एक्स स्क्वायर जनरेट करेंगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना बन रहा है, पहले बन रहा है मेरे पास 5x स्क्वायर,
उसके बाद बन रहा है मेरे पास 3x2। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8x2। इसलिए कोएफिशिएंट कितना आएगा इस केस में, 8 आएगा। यस, वेरी गुड। 7 वाला कौन था? चैट काफी जल्दी निकल गया, मुझे उसका नाम पढ़ते नहीं आया, है ना। यस, 6 वाला कौन है? शिवम। यस, यहाँ पे 8 आना चाहिए बेटा, 8 आना चाहिए ना। यस एक्जैक्टली, 5 + 3, यहाँ पे 8 आंसर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपके नोटिस करोगे बच्चों कि मुझे अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई पूछ रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है, इनको ध्यान रखेंगे हम आगे वाले क्वेश्चंस के लिए। यहां पर क्योंकि मुझे कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा था, तो यहां पर जो एक्स क्यूब वाला टर्म था वो तो बिल्कुल ही वेस्ट है। समझ रहे हो इस बात को? ये टर्म बिल्कुल वेस्ट है, इस टर्म का यहां पे कोई यूज नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब में आप अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो 1/x अगर होता, अगर 1/x होता तो एक्स स्क्वायर बनने के चांसेस होते, लेकिन आगे तो 1/x जैसा कोई टर्म है ही नहीं, तो एक्स क्यूब वेस्ट हो गया हमारा। ये टर्म कभी भी एक्स स्क्वायर बनाने में हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है। अच्छा, और एक करते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ इन दिस प्रोडक्ट, एक्स क्यूब इंटू 3x2 माइनस 4x + 5, ये फिर से बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। यस, अच्छा, यहाँ पे एक एस्पिरेंट पूछ रहा है कि ये तो बायनोमियल थ्योरम बायनोमियल चैप्टर में आता है। हाँ एक्जैक्टली, बायनोमियल चैप्टर में आता है ना। ऑलराइट, इसलिए हम थोड़ा सा इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, क्योंकि एक सिंगल फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है जो बायनोमियल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ऑलराइट, कितना आंसर आएगा इस केस में? यहाँ पे देखो जरा, अगर ऑलरेडी यहाँ पर एक्स क्यूब बच्चों मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसका आंसर कभी भी एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म जनरेट हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी भी क्वांटिटी में एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब से बड़ा आंसर निकलेगा वहां पे, क्योंकि आगे वाले ब्रैकेट में कहीं पर भी फ्रैक्शनल पावर्स नहीं है, कहीं पर भी नेगेटिव पावर्स नहीं है, ठीक है। मुझे पता है कि यहां पे आगे सारे पॉजिटिव पावर्स वाले ही टर्म्स है, ठीक है। ऑलराइट, आई बस ऑन में, यहां पर क्या आंसर आएगा? 0। यहां पर कितना आंसर आएगा? 0। यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि ऑलरेडी एक्स क्यूब है यहां पर लिखा हुआ। एक्स क्यूब के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स क्यूब से बड़े ही पावर्स बनेंगे, तो एक्स स्क्वायर कभी यहां पे बन नहीं पाएगा। आरिवा सोन में, इसका आंसर 0 आना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो और एक ट्राई करते हैं यहां पे। अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर दिया, ठीक है। 1 - 2x का क्यूब इंटू 3x2 माइनस 4x + 5, ठीक है, ऐसा कुछ तो यहां पर लिखा हुआ है। कोएफिशिएंट अभी भी मैं एक्स स्क्वायर का ही पूछ रहा हूं आपसे, कोएफिशिएंट अभी भी मैं एक्स स्क्वायर का ही पूछ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर सोच के देखो, अगर आप यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करोगे, केवल सोच के देखो, अगर आप यहां पे a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करोगे तो क्या होगा यहां पे इस पर्टिकुलर केस में? यस। अच्छा प्रीतम बेटा, मेरे ख्याल से आप पिछले वाले क्वेश्चन में 3 बता रहे हो, एक बार ध्यान से चेक कर लो, ठीक है। ऑलराइट, 0 आएगा पिछले वाले में। यहां पर देखो, अब अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यहां पर एक टर्म तो 1 बनेगा, लेकिन उसके आगे आने वाले टर्म्स में क्या होगा? यहां पर अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास आगे वाले टर्म्स क्या क्या आएंगे? यहाँ क्यूब ओपन करके देख लेते हैं, हमारे पास ए क्यूब प्लस 3a² b, उसके बाद प्लस 3ab² एंड प्लस b³, ठीक है। ऐसा कोई टर्म एक्सपांड होके बनने वाला है यहां पे, तो आप यहां पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये सारे टर्म्स जो ये तो वेस्ट हो गए, ये तीनों ही टर्म्स हमारे वेस्ट हो गए, क्योंकि यहां पर आपके पास पावर एक्स स्क्वायर से ज्यादा आ गया, तो ये तीनों टर्म्स आपको कभी भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट निकालने में। तो यहां पे कौन कंट्रीब्यूट करेगा? यहां पर डायरेक्टली 1 कंट्रीब्यूट करेगा बस। इसका मतलब इस टाइप का जब भी टर्म आएगा तो अब यहां पे इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो? ये जो एक्सप्रेशन है ये वेस्ट एक्सप्रेशन है, इसका इक्विवेलेंट एक्चुअली 1 है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट 1 है क्योंकि यहां पर केवल 1 आपकी हेल्प कर रहा है और कोई आपका एक्स स्क्वायर बनाने में हेल्प नहीं कर रहा। तो हम ऐसा डायल डाउन भी कर देंगे क्वेश्चंस को आगे चल के, ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से समझ पाए, ठीक है। अब 1 के अंदर क्या मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनेगा? तो 3x² मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब आपका एक्स स्क्वायर क्वेश्चन कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो कहानी बच्चों हमने अभी डिस्कस करी है, यहां पर हमने बहुत बार कोएफिशिएंट्स निकालना सीखा है। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसका मतलब आपको आगे वाली बातें भी समझ में आने वाली है, ठीक है। यहां पर आपको मल्टीनोमियल थ्योरम समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट कैसे देखते हैं वो समझ में आता है, ठीक है। इतना सही पता होना चाहिए, लेकिन उसके पहले अब एक और चीज सुनते हैं। पहली बात तो डेफिनेशन क्या है, यहां पर बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझते हैं, उसके बाद एक एडिशनल फॉर्मूला मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा। याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम अलग से पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अगर कुछ बच्चे यहां पर रिपीटर्स है जिनको पहले से पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। जो यहां पर 11th के बच्चे हमारे साथ जो नए जुड़ के अभी आगे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, एक फॉर्मूला हम यहां पर एक्स्ट्रा करेंगे जो हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे बायनोमियल वाले डिस्कशन में, ठीक है। लेकिन मल्टीनोमियल थ्योरम एक्चुअली होता क्या है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं। इन दिस थ्योरम वी ट्राई टू राइट ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन पावर्स।
जो सारे पॉसिबल आउटकम्स है वो पावर्स में लिखने की कोशिश करते हैं. किसकी पावर में? कोई भी एक रैंडम वेरिएबल उठा लेते हैं, लेट अस से एक्स, उसकी पावर में लिखते जाते हैं. क्या लिखते जाते हैं? जो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो सब लिखते जाते हैं, ठीक है. और उसके बाद करते क्या है, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं कोएफिशिएंट्स. इसलिए मैंने अभी आपको कोएफिशिएंट्स डिस्कस करना, अभी हमने डिस्कस कर लिया उस चीज को, ठीक है, कोएफिशिएंट कैसे हम कैलकुलेट करने वाले हैं. ऑलराइट, तो यहां पर करना क्या है, आपको सारी पॉसिबिलिटीज एक्स की पावर में लिखना है और आपको कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करना है. किसके? जो भी रिक्वायर्ड पावर है उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है. जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में सब जगह मैंने किसकी पावर पूछी थी आपसे, एक्स स्क्वायर की पावर पूछी थी. ऐसे ही कुछ तो सिचुएशन जनरेट होने वाला है अगर आप क्वेश्चन को मल्टीनोमियल थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब, ठीक है. ऑलराइट, तो ये तो हो गया कंसेप्ट का डिस्कशन. ये अभी समझ में नहीं आएगा, हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा स्टेटमेंट. एक बार मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद इस पेज पे फिर से आ जाएंगे चाहे तो, ताकि आपको ये क्लियर हो कि हाँ ये जो हमने लिखा हुआ है यही एक्चुअली मल्टीनोमियल थ्योरम करता है, ठीक है. अच्छा, तो यहां पर एक एडिशनल बच्चों जो आपसे फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगा, इसको आप अपनी नोटबुक में अभी के अभी लिख लो, ठीक है. ये जो रिजल्ट है ये हम यूज करके आज सारे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. क्या रिजल्ट है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर, एक्स टू द पावर आर इन द एक्सपांशन ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन इज एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, ठीक है. पहले तो इसको ध्यान से देखो, जिसको याद है बहुत बढ़िया बात है, जिसको याद नहीं है उसने अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसको आगे यूज करने वाला हूं. इस चीज को हम डिटेल में कब डिस्कस करेंगे? बायनोमियल में डिस्कस करेंगे. तो समझने की अभी ज्यादा कोशिश करो मत. समझने किसकी कोशिश करो, क्या समझने की कोशिश करो, कि मल्टीनोमियल थ्योरम यूज कैसे होता है वो समझने की कोशिश करो. इस फॉर्मूले को अभी के लिए समझने की कोशिश मत करो, ठीक है. यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके पास अगर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है तो इसका एक्सपांशन होता है कुछ ना कुछ, ठीक है. वैसे आपके पास अगर 1 माइनस एक्स का क्यूब है तो इसका भी कुछ ना कुछ एक्सपांशन होता है. वैसे ही अगर आप यहां पर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4 लिखते हो, अब ये कुछ नया हो गया, ठीक है. ये चीजें हमने बचपन में की हुई हैं, ये पावर माइनस वाला हमने अभी तक किया हुआ नहीं है, ठीक है. लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का एक एक्सपांशन होता है, जैसे 1 माइनस एक्स के क्यूब का एक एक्सपांशन होता है, वैसे ही 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4 का भी एक एक्सपांशन होता है, ठीक है. ये एक्सपांशन हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर जो सारी टर्म्स आएंगी उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्स की पावर आर भी आएगा. अब आर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एक्स की पावर 10 चाहिए आपको, एक्स की पावर 20 चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है. वो एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट कितना होगा, इसके साथ में कितना लिखा हुआ होगा, उसका ये फॉर्मूला है कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर होता है एन प्लस आर माइनस 1 सी आर. यहां तक बात समझ में आ रही, ठीक है. लिख लिया फॉर्मूला सबने. अच्छा, यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है कि ये फॉर्मूला हमने एडवांस मैथ्स में पढ़ा था. ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया बात है, आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो इस चीज को याद रखो, ठीक है. अब हम करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन करना. ऑलराइट, यहाँ पर क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये हमने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है. मंडे वाले लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है. तो यहाँ पर अगर किसी को आंसर याद है तो बताओ जरा जल्दी से, कैसे किया था हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज अमंग 3 स्टूडेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. Here all mangoes are alike. Here all mangoes are alike. ठीक है, कितना आंसर आया था इसका? ऑलराइट, एक बच्चा बोल रहा है वार्म अप कर लिया, अब जिम का टाइम स्टार्ट हो गया. यस, एक्चुअली स्टार्ट हो गया है ना. यहां पर समझना आपको अभी स्टार्ट करना रहेगा. फॉर्मूला लिख लिया सबने, बहुत बढ़िया. चलो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, आंसर याद है? अच्छा, एक बच्चे को टेलीग्राम पे डाउट कैसे पूछ रहे हैं समझना पड़ेगा. बेटा एक ठीक है, ऑल राइट, आई थिंक पर्सनल मैसेज या कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको. ऑल राइट, यस, आई कैन सी दैट लॉट ऑफ यू ऑलरेडी रिमेंबर द रिजल्ट. इसका आंसर बी आता है, ठीक है. इसका आंसर बी आता है और हमने बहुत ही बढ़िया मेथड पढ़ी हुई है इसकी. कौन सी मेथड पढ़ी हुई है? पार्टीशन मेथड. पार्टीशन मेथड में हमने क्या किया था, 10 मैंगोज को लाइन से रख दिया था, उनके बीच में दो पार्टीशन डाल दिए थे. कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए थे? टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स हो गए थे. 12 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करने की कोशिश की, फिर पता चला नहीं 10 मैंगोज एक जैसे हैं, दो पार्टीशन एक जैसे हैं, तो हमने उनको 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया और हमारा कन्वर्ट होकर बन गया फॉर्मूला 12C2. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दो स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है. लेकिन अगर आपको मल्टीनोमियल थ्योरम समझना है तो फिर ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है. इसके आगे हम क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि यहां पर हर क्वेश्चन में आप पार्टीशन मेथड एक्चुअली नहीं लगा सकते. इस क्वेश्चन में तो लग जाएगा, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में लगेगा नहीं. जब नहीं लगेगा तो मल्टीनोमियल यूज करना जरूरी हो जाएगा. इसलिए इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मल्टीनोमियल से समझ लो क्या है, ठीक है. सुनो ध्यान से क्या कर रहे हैं हम यहां पर.
आंसर आई नो कि आपको पता है, ठीक है, लेकिन अब तरीका चेंज कर रहे हैं, वो तरीका क्या है सुनो। यहां पर हम बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 मैंगोज अमंग 3 स्टूडेंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो यहां पर मेरे दिमाग में फिर से यही बात आ रही है कि अच्छा ठीक है, यहां पर ऐसा करते हैं, तीन जो लोग हैं, तीन स्टूडेंट्स, उनका नाम ए बी और सी है। अब ए बी और सी के पास में जितने भी मैंगोज गए हैं उनका सम कितना हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए। यस, ऐसा ही इक्वेशन बना के भी हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए पर्सन के पास कितने मैंगोज गए, बी पर्सन के पास कितने मैंगोज गए, सी पर्सन के पास कितने मैंगोज गए, ठीक है, और मैंने 10 के 10 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो सबका सम 10 आ जाना चाहिए। ऑलराइट, अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर कैसे कैसे आंसर जनरेट हो सकते हैं। यहां पर ऐसा आंसर जनरेट हो सकता है 0 0 10 0 0 10, ऐसा आंसर जनरेट हो सकता है 0 10 0, ऐसा आंसर भी जनरेट हो सकता है, या फिर यहां पर 1 1 8, ऐसा भी आंसर जनरेट हो सकता है। तो अब ये सब जो मैं कॉम्बिनेशंस आपको बता रहा हूं, ये सारे कॉम्बिनेशंस मैं जनरेट कर सकता हूं बाय राइटिंग अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। यहां पर मैं एक रैंडम वेरिएबल कंसिडर कर रहा हूं एक्स, और इसकी पावर में मैं क्या लिखूंगा, वो सारे वैल्यूज लिखूंगा जो ए ले सकता है, ठीक है। तो ए को कितने मैंगोज मिल सकते हैं, ए को 0 मैंगोज मिल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं, ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो पावर में लिखना है। क्यों लिखना है आगे समझ में आएगा, लेकिन अभी लिखो, ठीक है। उसके बाद या फिर मतलब प्लस का साइन, या फिर आपको क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, या फिर ए की वैल्यू 2 हो सकती है, ऐसा करते करते या फिर आप बोलोगे ए की वैल्यू 10 भी हो सकती है सर, ऐसे भी कुछ बोलोगे, है ना, ऐसे कुछ बोलोगे। और यहां पे आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जो भी ऑप्शंस थे हमने यहां पे पावर में लिख दिए, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। और देखो यहां पे ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, यहां पे बहुत ही ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये सिंपल क्वेश्चन अगर हो गया आपसे तो आगे वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ये मैं गारंटी से बता सकता हूं, ठीक है। ऑलराइट, ये अच्छी बात क्यों, क्योंकि इसका आंसर भी हमें पता है ना, तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि ये मेथड भी सही है, ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। उसके बाद मैं क्या बोलता हूं, ऐसा करो कि आपने पहले ये डिसाइड कर लिया कि ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, एंड देन यू डिसाइड कि बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। एंड बोला मैंने, एंड बोला मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लीकेशन करना रहेगा। अब क्या लिख रहा हूं मैं, रैंडम वेरिएबल के पावर में क्या लिखूंगा, बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है उनको लिखूंगा। सुनो ध्यान से, बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, फिर से 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ऐसा करते करते ये भी वैल्यू 10 तक जा सकती है। अभी आपने किस किस की वैल्यूज लिख दी, यहां पर पावर्स में आपने ए की पॉसिबिलिटीज लिख दी, आपने बी की पॉसिबिलिटीज लिख दी, एंड देन आप क्या बोलोगे, हाँ ठीक है सी की भी तो पॉसिबिलिटी सेम ही रहने वाली है, तो सी के लिए भी आपका ब्रैकेट सेम आएगा, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, ऐसा करते करते एक्स की पावर 10। समझे यहां तक बात। यहां पर मैंने क्या किया है, एक रैंडम वेरिएबल एक्स की पावर में वो सारी पॉसिबिलिटीज लिख दी है जो यहां पर ए बी सी की वैल्यूज हो सकती है। ऑलराइट, लेकिन क्या यहां पर ऐसा हो सकता है कि यहां पर ए का भी वैल्यू 10 हो जाए, बी का भी वैल्यू 10 हो जाए और सी का भी वैल्यू 10 हो जाए, नहीं हो सकता। यहां पर ये साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, इन तीनों का सम 10 होना चाहिए, इन तीनों का सम 10 होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या ढूंढेंगे, ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसमें x की पावर 10 कैसे जनरेट कर सकते हो। तो x की पावर 10 बच्चों में इस तरह जनरेट कर सकता हूं, यहां पर 0 वाला वैल्यू ले लिया, यहां पर 0 वाला वैल्यू ले लिया, लेकिन आगे मैंने 10 वाला वैल्यू ले लिया, 0 0 10, ये करेक्ट सॉल्यूशन है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। और किस तरीके से मैं x की पावर 10 बना सकता हूं, वो मेरे आंसर्स में आएंगे काउंट बिल्कुल सही तरीके से। यहां पर अगर मैंने यहां पे 1 ले लिया, आगे वाले से 9 ले लिया, और यहां पे थर्ड वाले से मैंने 0 ले लिया, 190, ये भी एक करेक्ट सॉल्यूशन है। मतलब जो जो करेक्ट सॉल्यूशंस हैं वो सारे कब मिलेंगे आपको, जब आपके पास प्रोडक्ट में x का पावर 10 बनेगा तब, जब आपके पास प्रोडक्ट में x का पावर 10 बनेगा तब। तो ऐसे कितने बार होगा, कितने बार इस एक्सप्रेशन में x की पावर 10 बनेगा, अगर मैंने वो काउंट कर लिया तो क्या वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज का ही आंसर है क्या, ऐसा सोच के देखो। अगर मैंने ये सारे तरीके एक एक करके काउंट कर लिए, 0 0 10 वाला, है ना, 0 1 9 वाला, फिर 0 2 8 वाला, अगर मैंने ऐसे सारे पॉसिबिलिटीज काउंट कर लिए जिस केस में x की पावर 10 जनरेट हो रहा है, तो वो सारे जो काउंटिंग है वो मेरे पॉसिबिलिटीज का ही आंसर होना चाहिए, नंबर ऑफ वेज का ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियली अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ये मुझे करना है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में एक्स की पावर 10 का कोएफिशिएंट अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन हम इसको अब कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, एक एक करके कंप्रेस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आएगा कंप्रेस करने के लिए, वो तो सबको दिख ही रहा होगा कि यहां पर ये तीनों के तीनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो पावर 3 कर लेते हैं,
है ना, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अच्छा ठीक है, कोएफिशिएंट इतने बड़े से एक्सप्रेशन में फाइंड करना है, तो ऐसा करो कोएफिशिएंट फाइंड करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 फाइंड करो इन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, है ना, सुनते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना। एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, एक्स की पावर 10, और इसका कर दिया मैंने क्यूब, है ना, ये तीनों अलग अलग लिखे, इसकी जगह क्या कर दिया मैंने, उसका एक सिंगल क्यूब कर दिया। ऑलराइट, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया एक्सप्रेशन, और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है सिंप्लीफिकेशन का, मैं ये देख रहा हूं कि ये जो मेरे पास एक ब्रैकेट बचा है, ये ब्रैकेट एक जीपी है, जीपी का सम निकालना हमने सीख लिया है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला इसके बाद हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। कहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट टर्म इज 1, एक्स की पावर 0 मतलब 1, 1 से लेके कहां तक जा रहा है वो एक्स की पावर 10, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई यहां पे, 11 टर्म्स हो गई, टोटल यहां पे 11 टर्म्स हो गई, फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो एक्स है, तो सम का वैल्यू लिख सकता हूं इसका मतलब है, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, वो तो चेंज नहीं हुआ है, एक्सप्रेशन बस सिंप्लीफाई होता जा रहा है रेड वाला, बाकी जो टारगेट है वो ब्लैक वाला है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 ये हमारा फाइंड करने का टारगेट है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर फिर से टारगेट को लिख लेता हूं मैं, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन दिस एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, जिसको हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, तो ये जो नीचे बड़ा वाला एक्सप्रेशन है इसमें अगर मैं जीपी का सम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, और इस सब का क्यूब ऑलरेडी हमने करके रखा है। आरी बात समझ में, हम धीरे धीरे चीजों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम चीजों को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, और सिंप्लीफाई करता हूं इसको, तो मैं क्या निकालने वाला हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन फर्दर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन विच कैन लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसा करते हैं, 3 पावर इसको दे देते हैं, 3 पावर इसको दे देते हैं, 1 की पावर 3 तो वेस्ट है, तो यहां पर क्या दिखेगा एक्सप्रेशन आपको, 1 माइनस एक्स की पावर 11 की पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये एक्सप्रेशन धीरे धीरे अब ज्यादा समझ में आने लगा है हमें, ठीक है, क्योंकि अब ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तो किसी का क्यूब है, अभी मैंने आपको वार्म अप में करवाया था ये, ठीक है। तो जल्दी से सोच के बताओ यहां पर क्या होने वाला है, अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 फाइंड करना है और यहां पर ये पर्सन जो है ऑलरेडी एक्स की पावर 11 है, अगर ऑलरेडी एक्स की पावर 11 है तो वो कभी भी एक्स की पावर 10 बनाने में हेल्प करेगा क्या आपकी, नहीं करेगा, तो यहां पर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, यहां पर सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अदर देन 1, क्योंकि 1 तो बनाएगा, 1 आगे एक्स की पावर 10 में मल्टीप्लाई होकर 10 एक्स की पावर 10 बनाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आएगा हम इसका इक्विवेलेंट सिनेरियो लिख लेंगे, इसका इक्विवेलेंट सिनेरियो कितना आएगा, डायरेक्टली इसको लिख दो 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन 1 की पावर 3 इनटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। अब 1 की पावर 3 भी वेस्ट है बिल्कुल, तो 1 की पावर 3 भी यहां से हटा दें, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्या फाइंड कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3, ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट अभी कन्वर्ट हो गया है। तो क्या बच्चों इस स्टेप तक आने के बाद अब आप वो फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैंने आपको लिखवाया था, फॉर्मूला देखो क्या लिखवाया था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर आर इन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन, ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां पर आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 10 है, ठीक है, और यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस 3 नहीं है, n की वैल्यू 3 है, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या था, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो अगर मैं माइनस एन को माइनस 3 से कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू प्लस 3 आएगी। ऑलराइट, और अगर आपको n और r की वैल्यू मिल चुकी है तो फाइनली फॉर्मूला क्या याद किया है हमने, n प्लस r माइनस 1 सी आर, n प्लस r माइनस 1 सी R, मतलब 10, ठीक है, कितना हो जाता है, ये हो जाता है 12C10 which is as good as 12C2 जो हमारा फाइनल आंसर है। बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया ये करने में, बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया ये करने में, लेकिन समझ में आया क्या, अगर आपको ये सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा बिल्कुल, ठीक है, यहां तक समझ में आया, इसका आंसर ऑलरेडी हमारे पास था। इसीलिए कभी भी आपके पास अगर ये ऑप्शन हो कि आप मल्टीनोमियल थ्योरम को बायपास कर सकते हो तो बिल्कुल बायपास करना चाहिए, आपने पार्टीशन मेथड यूज करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे डायरेक्टली देख के ही आपको आंसर 12C2 बताते आ जाता है, इतने दो पेज भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन पहले ये बताओ ये दो पेज भरते आए क्या, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा जब पार्टीशन मेथड आपका फेल हो जाएगा,
इसलिए ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, एक जल्दी से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये देखा कि अच्छा ठीक है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीन लोगों में, तो मैंने ऐसा कुछ इक्वेशन जनरेट किया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों के पास मैंगोज अगर जाएंगे तो टोटल, क्योंकि मेरे पास 10 ही मैंगोज है, 10 मैंगोज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तो उन दोनों स्टूडेंट्स के पास भी कितने आ जाएंगे, टोटल 10 मैंगोज आ जाएंगे। मतलब मेरे पास इस टाइप का कुछ तो इक्वेशन होना चाहिए। अब मैंने यहां पर क्या किया है, इंडिविजुअल जो पर्सन है उनके पास कितने कितने मैंगोज हो सकते हैं वो मैंने अपने ब्रैकेट में लिख दिए इन पावर्स, पावर में जाती है यहां पे पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो यहां पर एक्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्स इज रैंडम वेरिएबल, कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसका एक्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंस किसका है, पावर का इंपॉर्टेंस है। यहां पे पावर पहले वाले ब्रैकेट में किसकी है, ए की वैल्यूज है, ए की वैल्यू 0 हो सकती है, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 2 हो सकती है, ए की वैल्यू 10 तक जा सकती है, ठीक है। और ऐसे ही आगे हमने बी और सी के ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। इसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जनरेट हो गया आपका, सॉल्यूशन ये है, ये सॉल्यूशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अब बस इसके बाद जो किया है हमने इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला है, ठीक है। ये लिखते अगर आ गया आपको तो देन आधा काम तो हो गया, ये अगर आपने लिख लिया तो आंसर तो आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते समय थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बस, और क्या ध्यान रखना है, ये एडिशनल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, जहां पर हम आर और एन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, एन प्लस आर माइनस वन सी आर, ठीक है। ये मेन फंडा है जो आपको याद रखना है बायनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर हुआ, टू कैसे आया, अरे बेटा ये तो बहुत ही सिंपल था ना, यहां पर आपके पास एक रिजल्ट होता है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये हमने बहुत पहले पी एंड सी के लेक्चर में डिस्कस किया है, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो 12C10 इज सिमिलर टू 12C2, दोनों की वैल्यू आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। अभी क्लियर हो गया, ऑलराइट, वेरी गुड, ऑलराइट। अच्छा एओडी, अच्छा संतोष बोल रहा है कि एओडी के साथ और कंटिन्यू करें, अच्छा एओडी के साथ कंटिन्यू करना है, और मजा आ रहा था क्या एओडी पढ़ने में, और एओडी के साथ कंटिन्यू करेंगे, ऐसा करते हैं कल मैं उसका क्विज लेता हूँ एक, ठीक है। तो कल हम एओडी का एक क्विज करेंगे, उसके अंदर आपके क्वेश्चंस और ज्यादा डिस्कशन में आ जाएंगे, ठीक है, ऑलराइट। चलो तो और कुछ करते हैं अब, ठीक है। अब ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर हम एक्चुअली मल्टीनोमियल थ्योरम से आंसर निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि मल्टीनोमियल थ्योरम समझ में तो आ गया हमें, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी, आप अगर इसको एनालाइज करोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपका पार्टीशन मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इतना बढ़िया वाला जो मेथड है वो फेल कहां पे होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी हमारे से, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इफ ए डाइस इज रोल्ड 3 times, कोई एक डाइस है उसको हमने 3 बार रोल किया, फिर क्या हुआ, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 10। तो यहां पर फिर से इक्वेशन जो है सिमिलर सी बन रही है ना, यहां पर डाई पहली बार मैंने रोल किया तो मान लेते हैं उसका आउटपुट ए आया, मैंने दूसरी बार रोल किया तो मान लेते हैं उसका आउटपुट बी आया, मैंने तीसरी बार रोल किया मान लेते हैं उसका आउटपुट सी आया। तो ये जो तीनों आउटपुट हैं, ये तीनों मिलके 10 कितने तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चन तो सेम ही हो गया, क्वेश्चन तो सेम ही हो गया, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है क्योंकि ए बी सी आपके डाइस के आउटपुट हैं तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकते ए बी सी के वैल्यूज, और क्या ये हो सकते हैं, ए बी सी के वैल्यूज कभी भी अपने आप में 10 नहीं हो सकते हैं, 7 नहीं हो सकते हैं, 8 नहीं हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डाइस का आउटपुट हमेशा 1 से लेकर 6 तक ही होता है। ये कंडीशन समझ में आ रही है, दिस एक्चुअली कंडीशन मेक्स इट अ गुड क्वेश्चन ऑफ मल्टीनोमियल, इसको आप क्योंकि और किसी मेथड से यहां पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। दोनों डिफरेंस समझ में आया है ना, एक्चुअली सेम इक्वेशन लिखी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, यहां पर भी लिखा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, लेकिन ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहां पे ए बी सी जो है 10 तक जा सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके एबीसी 10 तक नहीं जा सकते, आपके जो एबीसी हैं वो 1 और किसके बीच में रहेंगे, 6 के बीच में रहेंगे, और साथ ही साथ 1 और 6 के बीच के नेचुरल नंबर्स रहेंगे, ठीक है। यहां पे 1.5 टाइप के भी सॉल्यूशंस नहीं आ सकते, क्लियर हो रहा है सबको। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन हमें डरने की बात नहीं क्योंकि अब हमें मल्टीनोमियल थ्योरम समझ में आ गए, ठीक है, क्योंकि यहां पर इक्वेशन वैसी दिख रही है तो यहां पर बेसिक जो हमारा फंडा होगा वो तो सेम रहेगा। मुझे क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ किसका निकालना होता है, यहां पे जो लिखा है उसका कोएफिशिएंट निकालना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 निकालना रहेगा यहां पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10, लेकिन किसमें, वो एक्सप्रेशन लिखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर सही तरीके से। क्या लिखना है एक एक करके, आपको ए बी सी के पॉसिबल वैल्यूज लिखना है पावर में, किसके पावर में, एक्स की पावर में, एक्स रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पर एक्स की पावर में ए का एक पॉसिबल वैल्यू 1 हो सकता है,
ए का एक पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकता है, ऐसे करते करते इसका वैल्यू 6 हो सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वैसे ही हम बी के पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, तो कितना आएगा x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, ये भी क्या है 1 से लेके 6 तक ही जा सकता है, और वैसे ही इसके बाद फिर से ये 1 से लेके 6 तक ही जा सकता है सी वाला आउटपुट भी। एक एक ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक ब्रैकेट के अंदर आपने पॉसिबिलिटीज लिखी है कि ए की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कहां लिखी है लेकिन पावर में लिखी है, बी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कहां लिखी है पावर में लिखी है, सी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कहां लिखी है पावर में लिखी है, समझे यहां तक। तो अब इसको अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया आपका आंसर आ जाएगा, ये मेन आपको लिखते आना चाहिए मल्टीनोमियल थ्योरम में, इसके बाद जो है ये पूरा कैलकुलेशन में चेंज हो जाता है, इट इज दैट ड्राई टॉपिक, ठीक है, इसके अंदर क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, ऑलराइट, लेकिन इस एक्सप्रेशन तक आना इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, ऑलराइट। तो अब यहां पर ऑब्वियसली क्या करेंगे बच्चों, सेम काम करेंगे जो हमने लास्ट इसमें किया था, वही सेम काम करेंगे कि यहां पर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक्सप्रेशन जो है किसके बराबर है, x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, ऐसा करते करते x की पावर 6 के होल क्यूब के बराबर है, समझे, यहां पे होल क्यूब के बराबर है, और अंदर क्या दिख रहा है फिर से मुझे, छोटी सी जीपी दिख रही है, कोई बात नहीं, छोटी बड़ी उससे हमें क्या करना है, हमें तो इसको जीपी को कंप्रेस करना है। तो इस बार इसका फर्स्ट टर्म क्या है एक्स, इसका कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो भी एक्स है, और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6 टर्म्स है, ठीक है। तो मेरा टारगेट अब धीरे धीरे सिंप्लीफाई होते हुए दिख रहा है, टारगेट तो है यही, टारगेट यही है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 निकालना है, क्यों, क्योंकि यहां पे एक पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, यहां से आया 2, यहां से आया 2, और आगे से आ गया कितना 6, 2 2 6, ये करेक्ट पॉसिबिलिटी है। तो अल्टीमेटली आपके जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एक्स की पावर 10 के वैल्यूज है, और x की पावर 10 कितने तरीके से बन सकता है, उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स आपको यहां पे अलग अलग आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट पकड़ लिया सबने, कंसेप्ट पकड़ लिया तो आगे कैलकुलेशंस भी हो जाएंगी, कैलकुलेशन सीखना कोई खास बड़ी बात नहीं होती, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा टारगेट क्या चल रहा है बच्चों, टारगेट चल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 निकालना है, किसमें निकालना है, एक जीपी के सम में निकालना है। तो जीपी का सम लिखना स्टार्ट करता हूं यहां पर, फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशो x की पावर नंबर ऑफ टर्म 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस आ रहा था ना नीचे, और ऊपर कितना आ जाएगा पावर होल क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे होल क्यूब था इसलिए, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन अब धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, हमें अब ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा यहां पे, ठीक है। ऑल राइट, चलो देखो यहां पे क्या हो रहा है, अब मैं बोलूंगा ठीक है कोएफिशिएंट ही निकालना है आपको, किसका, एक्स की पावर 10 का ही निकालना है, लेकिन एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई हो गया, एक्सप्रेशन यहां पर अगर मैं 3 पावर तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो यहां पर x की पावर 3 बनेगा, उसके बाद 1 माइनस x की पावर 6 का पावर 3 बनेगा, और यहां पर 1 माइनस x की पावर माइनस 3 बनेगा, ये बढ़िया वाला टर्म है, ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर जाके पावर माइनस 3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये वही वाला टर्म है 1 माइनस x की पावर माइनस n वाला, जिसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मुला यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है, फॉर्मुला आप सबने लिख लिया है, लेकिन इसके पहले वाली जो टर्म्स है वो सिंप्लीफाई होती है हमेशा। सिंप्लीफाई कौन सी टर्म्स होती है, जहां पे पावर्स पॉजिटिव हैं वो वाले टर्म सिंप्लीफाई होते हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि अगर मुझे ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर 10 की रिक्वायरमेंट है, और यहां पे अगर ऑलरेडी x की पावर 3 मौजूद है, तो बचे हुए एक्सप्रेशन में क्या आपको केवल x की पावर 7 चाहिए क्या, ये लॉजिक समझ में आ रहा है, अगर आपको पूरे एक्सप्रेशन में 10 की पावर चाहिए, ये ऑलरेडी 3 प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो बचे हुए से आप कितना डिमांड करोगे, x की पावर 7 डिमांड करोगे। अब यहां आके मैं क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ऐसा करो कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 फाइंड कर लो इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, जहां पे मैंने यहां पे x क्यूब को हटा दिया, 1 माइनस x की पावर 6 की पावर 3 इंटू 1 माइनस x की पावर माइनस 3, समझे, हमने क्योंकि सिंप्लीफाई तो करना है ना, सिंप्लीफाई कहीं बना तो सॉल्व होगा नहीं हमसे, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे और देखते हैं, यहां पर देखो क्या हो रहा है, अगर मैं यहां पे नोटिस करता हूं तो यहां पे पावर 7 है जबकि यहां पे पावर 6 है, इसका मतलब ये वेस्ट ब्रैकेट नहीं है, इसके अंदर कुछ अच्छी टर्म्स भी आएंगी, क्योंकि x की पावर 6 जो है वो x में आगे से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 7 बना सकता है, तो इस बार मुझे क्यूब को ओपन करना पड़ेगा सोच समझ के, ठीक है। तो क्यूब को ओपन करना तो हमें बचपन से आता है, इसको ओपन करते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, ये a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर, सॉरी थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी, है ना, और कितना हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास में कितना बी क्यूब ना, माइनस ऑफ बी क्यूब,
ऑल राइट, ये बड़ा सा मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, इसके साथ में छोटा सा क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 - x^-3। ये एक्चुअली बस छोटा दिख रहा है, जब आप एक्चुअली पढ़ोगे इसको तो आपको पता चलेगा इसके अंदर इन्फाइनाइट टर्म्स आती है। 1 - x^-3 एक्चुअली बहुत बड़ा ब्रैकेट है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे समझ से ये वाला पहला वाला ब्रैकेट बड़ा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं हमें। तो यहाँ पर बच्चों जल्दी से बताओ कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से टर्म्स वेस्ट हैं। यहाँ पे अगर आपने -x^6 का स्क्वायर कर दिया तो ये तो 12 हो गया, ये वेस्ट है, ठीक है, ये वेस्ट वाला टर्म है, यहाँ से कुछ नहीं मिलना हमें। वैसे ही ये जो टर्म है ये भी वेस्ट है, यहाँ से कुछ नहीं मिलना है। तो बचेगा कितना आपके पास में, कोएफिशिएंट ऑफ x^7 आपको किस में कैलकुलेट करना है, आपको x^7 का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है 1 - 3x^6 जो यहां और यहां लिखा हुआ है, और आगे लिखा है 1 - x^-3। क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो गया, धीरे धीरे हमको सिंप्लीफाई करते जाना है एक्सप्रेशन को, इतना ही करना है ना, मजा नहीं आ रहा होगा पता है मुझे, लेकिन समझना जरूरी है इसलिए समझो, ठीक है। यहां पर क्योंकि कंसेप्चुअली तो हमने फर्स्ट स्टेप में ही आंसर लिख दिया है, यहां पर जो हमने फर्स्ट स्टेप लिखी है ना यही हमारा आंसर है, कोएफिशिएंट ऑफ x^10 इन दिस। लेकिन अब ऐसा कोई आंसर थोड़ी दे सकता है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने वाली मेहनत करते आना चाहिए, नहीं तो फिर क्या फायदा ये लिख के भी, ठीक है। ऑल राइट, तो यहां तक समझ में आई बात समझ में, यहां पर जो वेस्ट वाले टर्म थे हमने हटा दिए, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, है ना। ऐसा करते हैं ये जो ब्रैकेट है ये 1 में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये x^6 वाले पोर्शन में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है बच्चों, ठीक है, और ये समझना जरूरी है कि ये कैसे हो रहा है। तो जब ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, 1 - x^-3 वैसा का वैसा दिखाई देगा, लेकिन जब ये -3x^6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -3x^6 अलग से दिखाई देगा यहां पर, ठीक है। ये जो ब्लैक वाला एक्सप्रेशन है इसको अब मैं दो अलग अलग पोर्शंस में सॉल्व करके आंसर निकाल के बता सकता हूं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। कैसे निकालेंगे, क्या यहां पर क्वेश्चन क्लियर है सबको, ये जो पूरा हमने यहां पे कचरा किया है, ठीक है, ये किस लिए किया है, क्योंकि मुझे क्या ढूंढ के बताना है, कोएफिशिएंट ऑफ x^7, कोएफिशिएंट ऑफ x^7, तो ये किस में निकालना है मुझे, अब मुझे इस छोटे से एक्सप्रेशन में निकालना है, सो लेट अस फोकस ऑन दिस छोटा सा एक्सप्रेशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x^7 इन, कहां गया मेरा छोटा एक्सप्रेशन देखें जरा, ठीक है, ये आया मेरे पास 1 - x^-3, 1 - x^-3 -3 times of, है ना, 3 times of x^6, 3 times of x^6, 1 - x^-3। All right. तो अब यहां पे दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, दोनों के अलग अलग आंसर निकाल लेते हैं, x^7 के हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अब आप क्या देखोगे बच्चों, यहां पर पहले वाले पोर्शन में हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, इसको अकेले को जनरेट करना पड़ेगा x^7, जबकि सेकंड सिनेरियो में यहां पर हेल्प करने के लिए ऑलरेडी x^6 बैठा है, क्योंकि यहां पर हेल्प करने के लिए ऑलरेडी x^6 बैठा है, तो आगे जो ब्रैकेट बचा है उसको कितना जनरेट करने की जरूरत है, केवल x^1 जनरेट करने की जरूरत है, x^1 जनरेट करने की जरूरत है, वाली बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपको टोटल कितना चाहिए x^7, ऑलरेडी यहां पे हेल्प हो गई x^6 की, तो आगे हमें केवल x^1 का ही कोएफिशिएंट ढूंढना रहेगा, क्योंकि x^1 के साथ में मिलके ये कितना बनाएगा, x^7 बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे सेकंड पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x^1 इंपॉर्टेंट हो गया इन व्हाट, 1 - x^-3, और आगे जो कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड है उनको भूलना नहीं है, ये -3 तो साथ में लिखा हुआ रहेगा, और यहां पर आगे क्या है, आगे तो यहां पे हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो यहां पर आपको कोएफिशिएंट ऑफ x^7 ही कैलकुलेट करना पड़ेगा इन द एक्सप्रेशन 1 - x^-3, ठीक है। अब ये जो दोनों मैंने ब्रैकेट्स लिखे हैं रेड वाले, इनका आंसर हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया था, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और खुश हो जाएंगे क्योंकि आंसर आने वाला है, ठीक है। देखो कितना आएगा यहां पे, कोएफिशिएंट किसका निकालना है, x^7, मतलब r की वैल्यू कितनी यहां पे, 7, r की वैल्यू यहां पे 7, और किसका है पावर, -3 है, मतलब n की वैल्यू कितनी यहां पे, 3 है। तो इसका आंसर लिखते आएगा अभी n + r - 1 c r की वैल्यू 7, ठीक है, ये अलग पोर्शन आ गया, और -3 times of कितना करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x^1, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका r का वैल्यू कितना है, 1 है ना, किसका पावर चाहिए, x^1 वाला पावर चाहिए, किसमें चाहिए, -3 वाले इसमें चाहिए एक्सपांशन में, तो n का वैल्यू तो यहां पे आपका 3 ही है, ठीक है। तो यहां पर फिर से अप्लाई करते हैं, यहां पे n + r - 1 c r, r मतलब 1, ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यस 27, बहुत बढ़िया बेटा, निधि का भी 27 आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है, यहां तक बात आ रही समझ में सबको।
थोड़े बच्चे हमसे आगे चल रहे कैलकुलेशन में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के, मतलब आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है, ऐसे ही बस समझते जाओ, बाकी बच्चे भी थोड़ा सा पेस अगर पकड़ लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैलकुलेशन से क्या बन रहा है, आपके पास आएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 9C7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास 1-1 कैंसिल होके 3C1, तो 9C7 इज सेम एज 9C2, ऑलवेज इट इज ऑलवेज बेटर टू मेक नीचे वाला वैल्यू छोटा, ठीक है, तो दिस इज इक्वलेंट टू 9C2, तो इसको 9C2 लिख लो माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये तो 3 हो गया, तो 9C2 कैलकुलेट करना आसान है, 9 × 8/2, तो कितना हो जाएगा 36, 36 में से आपने अगर 9 सबट्रैक्ट किया तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 27, ऐसा इसको सॉल्व करना था, 27, बहुत बढ़िया है ना। ऑलराइट, तो यहां पर कौन कौन है, प्रकाश है, कदम है, ऑलराइट, और रॉय है यहां पे, पायल, वेरी गुड, अभिनंदन, यस, श्रीनिधि बेटा आपका आंसर आया कि नहीं, ऑलराइट, सुनील, पाहुल बेटा 28 आ रहा है आपका, अच्छा 27, सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं, ऑलराइट, चलो आ गया 27 सबका, आ गई बात समझ में, मल्टीनोमियल फाइनली आपको सॉल्व करते आ गया है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को डाउनलोड करो बच्चों आराम से, है ना, और फिर से एक बार सॉल्व करके देखना, खुद से सॉल्व करके देखना, अभी तो आपने मुझे सॉल्व करते हुए देखा है, खुद से अभी आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट एक तो ये फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 − x^-n, अदर देन दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एक्सप्रेशन लिखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर व्हाट इन व्हाट एक्सप्रेशन, ठीक है, ये दो चीजें अगर आपने पकड़ ली तो आपको ये मल्टीनोमियल वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऑलराइट। अब ये जो है यहां पर अलग अलग तरीके से फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चंस, एक और तरीके से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन देखो यहां पे, यहां पर फिर से फ्रूट्स वाली बात कर रहे हैं हम, है ना, एप्पल्स मैंगोज हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से करते हैं, देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एट फ्रूट्स फ्रॉम ए फ्रूट बास्केट, है ना, जिसके अंदर क्या है 9 पीसेस सभी के हैं, 9 मैंगोज हैं, 9 एप्पल्स हैं, 9 बनानास हैं और 9 ऑरेंजेस हैं, आपको क्या करना है, आपको यहां पर 8 फ्रूट्स सिलेक्ट करके बताना है, कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो 8 फ्रूट्स का, ऑलराइट। तो फिर से यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होने वाला है, फिर से एक इक्वेशन के फॉर्मेट में पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये फ्रूट्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये बुक्स हैं, कि ये आइसक्रीम्स हैं, ये चॉकलेट्स, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपको तो इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ये जो प्रैक्टिकली दिखने वाला सिनेरियो है इसको आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, ऑलराइट। तो वी आर एक्चुअली टेकिंग फन आउट ऑफ द क्वेश्चन, वी आर टेकिंग फन आउट ऑफ द क्वेश्चन, कन्वर्टिंग इट इनटू एन एक्सप्रेशन जो हमारा आंसर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलेगा, ऐसा भी किया तो, है ना। तो यहां पर सुनो क्या हो रहा है, यहां पर आपको चाहिए टोटल 8 फ्रूट्स, क्या क्या है फ्रूट्स हमारे पास, ये सारे फ्रूट्स हैं, लेट अस से आपने ए एप्पल्स उठा लिए, बी बनानास उठा लिए, सी आपने ऑरेंजेस उठा लिए और डी आपने मैंगोज उठा लिए, ठीक है, ए बी सी डी किसी को भी कुछ भी बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ये तीनों का चारों का सम कितना हो जाना चाहिए, इन चारों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, क्योंकि आपको 8 फ्रूट्स टोटल सिलेक्ट करना है, आई बस उनमें a + b + c + d। प्रकाश बेटा आप इसका आंसर बता रहे हो क्या, अभिनव इसका आंसर बता रहे हो, अगर इसका आंसर बता रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बता रहे हो फिर तो, है ना, अगर इसका आंसर बता रहे हो बहुत ही बढ़िया बता रहे हो, ठीक है, ऑलराइट। बाकी बच्चे यहां पे ध्यान दो, चैट मत पढ़ने लग जाना, ठीक है, कि प्रकाश ने क्या आंसर दिया है वहां पे, ऑलराइट। चलो देखो यहां पर क्या हो रहा है, a + b + c + d = आपको कितना चाहिए, 8 चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं अब क्या लिखूंगा, ए की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, सी और डी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, थीके? और अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, कोएफिशिएंट किसका फाइंड करूंगा, एक्स की पावर 8 का कोएफिशिएंट फाइंड करूंगा। इस बार जल्दी करें, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करते हैं ना, इतना 3-3 पेज हमारे फुल हो रहे हैं, है ना, ऐसा कोशिश करते हैं कि कम से कम 2 पेज में हो जाए, ठीक है, 2 पेज के ट्राई करते हैं। चलो तो यहां पर मैं लिखूंगा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 इन व्हाट एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन जहां पर मेरे पास ए की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, यहां पर क्योंकि 9 फ्रूट्स है ना बच्चों, हर टाइप के 9 फ्रूट्स हैं, तो एक्स की पावर 0 भी हो सकता है, ये क्या है कि आपने यहां पे एप्पल सिलेक्ट नहीं किया, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, या फिर एक एप्पल किया, या फिर 2 एप्पल किए, या फिर ऐसा करते करते आपने यहां पे टोटल 8 एप्पल सिलेक्ट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है ना, अवेलेबल 9 एप्पल, इसका यह मतलब नहीं कि आप 9 तक जाओगे, यहां पर 8 ही सिलेक्ट करना है तो आप 8 तक ही जा सकते हो, ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पे आपने 8 लिख दिया, अब बिल्कुल सेम सिनेरियो बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए भी होगा, तो अलग अलग ब्रैकेट क्यों लिखो, यहीं पे पावर 4 कर देता हूं ना, बाकी दोनों क्वेश्चन समझ में आया था, हमने 2 ब्रैकेट्स लिखे थे, बाद में पावर 3 किया था वहां पे, क्योंकि 3 चीजें थी, यहां पे हमारे पास 4 चीजें हैं तो पावर 4 हो जाएगा,
हर एक वैल्यू का एक ना एक ब्रैकेट बनेगा. ए का ब्रैकेट बना, बी का ब्रैकेट बना, सी का बना, डी का बना, सब में सेम चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पार्शलिटी तो नहीं है, है ना, कि नहीं मैंगोज तो आपको लेने ही पड़ेंगे, या इस टाइप का कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे ब्रैकेट सेम भी बन रहे हैं. कभी कभी बच्चों आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको अलग अलग ब्रैकेट्स लिखने पड़ेंगे, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे थोड़े टीडियस क्वेश्चन हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देता हूँ, यहाँ पे नहीं 9 मैंगोज हैं और 10 एप्पल्स हैं और 11 बनानास हैं और 12 ऑरेंजेस हैं, तो उस केस में हर एक ब्रैकेट डिफरेंट बनता, क्योंकि पहले वाले में आपकी पावर 8 तक जाती शायद, नहीं उस केस में तब भी सेम ही बनता, क्योंकि यहाँ पर मैं 8 मांग रहा हूँ, है ना. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 14 मांग रहा होता तो दिक्कत आती. चलो छोड़ो उस बात को, उस बात को छोड़ो, है ना, प्रैक्टिस तो होती रहेगी. पहले क्वेश्चंस का ये वाला सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, हम सोच रहे हैं कम से कम स्टेप्स यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे. तो वाला स्टेप हो गया मेरे पास. अब आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 इन. ठीक है, ऑलराइट, अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं. यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जीपी का आंसर. जीपी का आंसर आएगा फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो एक्स, उसकी पावर कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 9, और नीचे कितना आएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसका पूरा का पूरा पावर हो जाएगा 4. ठीक है, ऑलराइट, यहां तक आ गया हमारा कंप्रेशन, हो गया एक्सप्रेशन का. ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा. यहां पर लिखूंगा मैं, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फिर से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 8 इन व्हाट एक्सप्रेशन, इन दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन करते हैं और ज्यादा सिंप्लीफाई, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 माइनस एक्स की पावर 9 की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4. अब यहां पर बताओ, ये जो पहला वाला है ये वेस्ट है कि नहीं, ये जो है इसके अंदर, क्योंकि x की पावर 9 आ रहा है. आप अगर 1 माइनस एक्स की पावर 9 की पावर 4 ओपन भी कर लोगे तो भी यहां पे x की पावर 9 की मदद से चीजें बनना स्टार्ट होगी ना, अपार्ट फ्रॉम 1. 1 तो बनने ही वाला है, जब 1 की पावर 4 आया तो 1 बनेगा, बट इन एवरी अदर सिनेरियो x की पावर 9 आएगा, x की पावर 18 आएगा, ऐसे कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, x की पावर 27 आएगा, x की पावर 36 आएगा. ठीक है, तो ये जो आगे आने वाले बाकी चार टर्म्स हैं वो तो वेस्ट ही है, मुझे तो 8 चाहिए था. ये 9 से आगे वाले टर्म्स तो मैं वैसे भी हटा सकता हूँ. तो ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इक्विवेलेंट है किसके इक्विवेलेंट है, ये ब्रैकेट 1 के ही इक्विवेलेंट है. फॉर आवर पर्पस, फॉर कैलकुलेटिंग x की पावर 8, ये इक्विवेलेंट टू 1 है. ठीक है, तो यहां पर आगे कितना हो जाएगा, 1 माइनस x की पावर माइनस 4. तो ये तो अब डायरेक्ट फॉर्मुला ही हो गया, 1 माइनस x की पावर माइनस n के अंदर x की पावर r का कोएफिशिएंट कितना होता है, इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पे आंसर लिख सकता हूं. ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है बच्चों, r की वैल्यू कितनी है, कितना पावर चाहिए मुझे, x की पावर 8 चाहिए. किसमें चाहिए, इसमें चाहिए. तो यहां पर ये जो एक्सपांशन है इसमें n का वैल्यू कितना है, 4 है. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 सी आर, n प्लस r माइनस 1 सी आर हमारा आंसर होगा. लिख लेते हैं इसको आंसर को, है ना, n प्लस r कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 माइनस 1 सी आर, मतलब 8. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर आएगा, 165 इसका आंसर निकल के आना चाहिए. यस, वेरी गुड. ठीक है, कौन कौन आंसर बता रहा है इसका, रितेश, अंकिता, रोहित, ऑल राइट, वेरी गुड, यश, ऑल राइट, बाकी बच्चे कर पा रहे हैं, आशुतोष कर पा रहे बेटा, यश, श्रीनिधि भी आंसर बता रहा है, अनमोल 165, ऑल राइट, वेरी गुड. ठीक है, क्या हर चैप्टर के क्विज होते हैं, आशुतोष पूछ रहा है. हाँ बेटा, कोशिश तो ये कर देंगे हर चैप्टर का क्विज हो, है ना. तो यहाँ पर हर चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, और क्विज में ये होता है कि टाइम बाउंड भी हम करते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, तो वहाँ पर आपको छोटे टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं. ऑलराइट, यहाँ पर समझ में आ गई बात सबको. अच्छा, क्रिएट बेसिक ऑर्गेनिक प्लेलिस्ट. अरे बेटा, यहाँ जो आपको डाउट आ रहा है मेरे ख्याल से आपको मिल नहीं रहा होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही टीम बड़े ध्यान से प्लेलिस्ट बनाती है. ठीक है, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, एक बार मैं खुद चेक कर लूँगा, है ना, पारस सर भी कोई बोल दूंगा मैं चेक करने के लिए, लेकिन बनी हुई होगी बेटा प्लेलिस्ट. ठीक है, एक बार जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखो, होम पेज के ऊपर तो प्लेलिस्ट है ही, लेकिन एक प्लेलिस्ट वाला अलग से सेक्शन भी है, उस सेक्शन में जाके चेक करो ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है क्या, है ना. ऑलराइट, चलो तो इसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं. ऑलराइट, यस, चलो ठीक है, ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट, आई गॉट इट, आई गॉट इट. कुछ बच्चे यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, प्रज्ञा सिंह आपने बहुत पहले आंसर बताया था, वेरी गुड बेटा, चलो ऑल द बेस्ट. चलो तो यहाँ पर करते रहना पढ़ाई, है ना, इसी तरह से. एक क्वेश्चन और ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको, जो यहाँ पर एक्चुअली किससे सॉल्व हो सकता है, मल्टीनोमियल से सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं. जैसे इसके पहले जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया आज, वो मैं अवॉइड करूंगा, अननेसेसरी. अगर लग रहा है यहाँ पर मेरे पास पार्टीशन मेथड, तो मैं पार्टीशन से ही क्वेश्चन को करूंगा. ठीक है, ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर आपको ये लग सकता है कि अरे यार यहाँ पे तो पार्टीशन मेथड नहीं लग रहा. ऑलराइट, देखो इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है. इस क्वेश्चन में यहाँ पे जेड के आगे 2 एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट भी है. ठीक है, हमने किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है,
इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए बच्चों मंडे वाली क्लास में, ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 7 में इस टाइप के हमने क्वेश्चंस किए जहां पे पार्टीशन मेथड हमने सीखा था. नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ x + y + 2z इक्वल टू 20, वहां पे बस 2z नहीं था, ठीक है, ऑलराइट. तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे मल्टीनोमियल लगा सकते हो, लेकिन मैं तो अवॉइड करूंगा ऐसा सोच रहा हूं, ठीक है. आई वांट टू यूज पार्टीशन मेथड क्योंकि एक्चुअली मल्टीनोमियल में मेहनत कितनी लगती है मुझे समझ में आ गया. तो अगर किसी भी दिन मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा मैं अवॉइड कर सकता हूं तो मैं तो सबसे पहले अवॉइड करूंगा. समझना था इसलिए हमने समझ लिया, ठीक है. तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक्चुअली पार्टीशन मेथड डायरेक्टली क्यों नहीं लग सकता, पार्टीशन मेथड डायरेक्टली इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि यहां पर आपने अगर डायरेक्टली 20 को डिवाइड करने की कोशिश की तो वहां पर 2z आपको दिक्कत देगा ना. यहां पर सिमेट्री ब्रेक हो रही है, यहां पर क्वेश्चन में सिमेट्री ब्रेक हो रही है. आप सिमेट्री जनरेट करने के इसको जेड प्लस जेड भी लिख के कोई फायदा नहीं होगा. 2z को अगर आप z प्लस जेड भी लिख के ऐसे सोचोगे चार टर्म्स हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि z की वैल्यू एट ए टाइम तो सेम होगी ना. तो यहां पर सिमेट्री एक्चुअली ब्रेक हो गई है ना. तो यहां पर आप क्या सोच सकते हो, ऐसा करते हैं कि इसमें वन बाय वन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. वन बाय वन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे, है ना, देखते हैं इसका कितना आंसर निकल के आएगा. यहां पर ऐसा सोचो कि अगर x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं एक एक करके वैल्यूज भी तो ले सकता हूं. जो दिक्कत दे रहा है उसकी वैल्यू ले लेते हैं. तो यहां पर मैं सोचता हूं एक पॉसिबल सिनेरियो ये है, फर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो इज जहां पे जेड का वैल्यू जीरो हो जाए. हो सकता है बिल्कुल, मुझे क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो जेड का वैल्यू जीरो हो सकता है, ठीक है. अगर जेड का वैल्यू जीरो हो गया तो बची हुई इक्वेशन क्या है आपके पास, आपकी बची हुई इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20. अब ये तो सिमेट्रिक इक्वेशन है, दो लोगों में आपको 20 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 20 एप्पल्स है और एक पार्टीशन है, 20 एप्पल्स एक पार्टीशन, 21 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, एक पार्टीशन है, मतलब इसका आंसर कितना निकल के आएगा पार्टीशन मेथड से, इसका आंसर निकल के आएगा आपके पास 21C1. पार्टीशन मेथड याद आ गया सबको, 20 एप्पल्स लाइन से रखे हुए हैं, आपने बीच में पार्टीशन डाल दिया, 21 ऑब्जेक्ट्स हो गए. 21 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके कितने, 21 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से 20 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं इसलिए 20 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा. तो दैट गिव्स अस 21 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल व्हिच इज 21, व्हिच इज एज गुड एज 21C1. इसका आंसर कितना आया, 21 आया. तो अगर z की वैल्यू में जीरो रख देता हूं तो यहां पर x और y 21 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ये सारे ही मेरे करेक्ट आंसर्स होंगे. लेकिन z की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है, z की वैल्यू यहां पर 1 भी हो सकती है ना, क्योंकि इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए मुझे. तो यहां पर z की वैल्यू अगली जो हो सकती है वो 1 हो सकती है. समझ रहे हो बच्चों बात को, ऑलराइट. यहां पर कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, अनामिका इसका आंसर सी बता रही शायद, और सनीम सोनकर भी इसका आंसर सी बता रहा है, बाकी बच्चे जो है यहाँ पे बी आंसर बता रहे. बच्चों थोड़ा सा और ध्यान से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने की जरूरत है. पार्थ बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आपका कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है. व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज सी आंसर, ठीक है, व्हाट आई एम नॉट सीइंग देयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चैट में यहाँ पे अभी पहली बार नहीं आया, कोई बात नहीं, एक बार समझ लो. लेकिन इसको यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं जेड की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर मैंने जेड की वैल्यू 1 रखी दी तो 2z जाके 18 कर देगा इसको. मतलब मुझे क्या सॉल्व करने का रहेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18 सॉल्व करने का रहेगा. अगर मेरे पास 18 एप्पल से दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बीच में एक पार्टीशन डाल दो, टोटल 19 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 19 ऑब्जेक्ट्स हो गए जिसमें से 18 ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, तो कितना हो जाएगा 19C1, है ना, 19C1 लिखो इसको, चाहे आप इसको डायरेक्टली 19 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना, 19C1 इज एज गुड एज 19, ठीक है. तो यहां पर अगर मैं थर्ड केस लेता हूं तो क्या हो सकता है, जेड की वैल्यू 2 हो सकती है. अगर जेड की वैल्यू 2 हो गई तो यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा. अगर ये 4 हो गया तो एक्स प्लस वाई कितना बचेगा आपके पास, x प्लस वाई बचेगा आपके पास में 16. अगर x प्लस वाई 16 बचा है तो फिर से 16 एप्पल्स वाला सिनेरियो इमेजिन करो. कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है क्या, यहां पे पैटर्न बनते हुए दिख रहा है क्या, कितना बनेगा इस बार 17C1, मतलब 17 आंसर आएगा. तो ये तो ऑड नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं ना, ये सारे ऑड नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं. क्लियर हो रहा है, ऑलराइट. तो क्या मैं आगे लिखना बंद कर दूं, सबको समझ में आ रही है बात, यहां पे कितना आंसर निकल के आने वाले हैं. ऐसा अगर मैं करते जाऊंगा कितने केसेस होंगे वो देख लेना, लेकिन एंड में आते आते जेड इज इक्वल टू 10 तक हो सकता है, मतलब 11 केसेस होंगे शायद, ठीक है. जेड इज इक्वल टू 0 से लेकर जेड इक्वल टू 10 हो सकता है. अगर जेड इक्वल टू 10 हो गया तो आपके पास इक्वेशन सोल्व करने के लिए कितनी बची, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 के कितने आंसर आएंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 का भी एक आंसर आएगा, दोनों को 0 मिलेगा, एक पॉसिबिलिटी है ना, दोनों को 0 मिलेगा, ये एक पॉसिबिलिटी. तो एक्चुअली क्या करना है, इन सबको ऐड कर लो, बिकॉज दीज आर डिफरेंट केसेस दैट वी वर एबल टू जनरेट. तो यहां पर आपको ऐड करना है 1 से लेके 21 तक, 1 से लेके 21 तक अगर आपने ऐड कर दिए सारे ऑड नंबर्स तो आपका आंसर आ जाएगा. तो ऑड नंबर्स का सम करते आता है क्या हमें, ऑड नंबर्स का सम करते आता है, यस ऑर नो,
बिल्कुल आता है, क्योंकि यहां पर हमें एक तो डायरेक्ट रिजल्ट भी है कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम होता है एन स्क्वायर, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम होता है एन स्क्वायर। अगर डायरेक्टली आते तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज एपी दिख रही है एपी का सम कर लेंगे। ठीक है, एपी कैसे दिख रही है हमें, वन फिर थ्री फिर फाइव, ऐसे करते करते आपको कहां तक जाना है, 21 तक जाना है। ठीक है, तो किसी भी एपी का सम अगर आपको करना होता है तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक फॉर्मुला आता है हमारे पास में, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी। ठीक है, इतनी माथा बच्चे अगर किसी को नहीं करना है तो बच सकता है एन स्क्वायर वाला फॉर्मुला देख के। ठीक है, यहाँ पे बस पता कर लो कि यहाँ पे 11 टर्म्स है, 11 टर्म्स कैसे पता चल रही है, यहाँ पर आपके पास आएगा 21 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1, पता नहीं मुझे एन कितना है, इनटू डी, लेकिन कॉमन डिफरेंस, ओहो कॉमन डिफरेंस कितना है इस केस में, 2 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। ठीक है, अच्छा तो ये इस साइड आएगा तो ये 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 10 हो जाएगा, तो n माइनस 1 का वैल्यू अगर 10 है तो n का वैल्यू 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन आपको अगर फर्स्ट 11 टर्म्स का सम करना है तो क्या होगा, यहाँ पे 11 बाई 2 एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो यहाँ पे दिख रहा है सबको 11 इंटू 22 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 11 विच इज 121। ठीक है, तो बच्चों देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। ठीक है, बुक्स में आपको इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मल्टीनोमियल थ्योरम से मिलेगा, अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड इट, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया है लेकिन समझ में आ रहा है ना, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर समझ में आएंगी चीज़ें तो फिर आंसर कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पे सी मार्क करके बता सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, अननेसेसरी आप बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनाओगे मल्टीनोमियल के और सॉल्व ही नहीं होने वाले अगर वो आपसे, तो वैसे एक्सप्रेशन बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि मल्टीनोमियल थ्योरम पे एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चंस करते आना चाहिए जितने आज हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, और आपको क्या आना चाहिए, हाउ कैन वी अवॉइड मल्टीनोमियल थ्योरम, वो भी आपको साथ में समझ में आना चाहिए। ठीक है, एंड विद दिस क्वेश्चन बच्चों आपका बड़ा सा टॉपिक और बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक पीएनसी मैं मान सकता हूं कि कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लेकिन मिलते रहेंगे पीएनसी के साथ में भी, एक बच्चा ऐसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा था एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स की, तो कल वाले क्विज में तो मैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स डिस्कस करता हूँ, इसके बाद आने वाले क्विजेस में हम डेफिनेटली पीएनसी के और भी क्वेश्चंस लेते रहेंगे ताकि आपका रिवीजन भी टाइमली होता रहे। ठीक है, ऑलराइट, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपको समझ में आ गया है, तो जल्दी से लाइक करो और दोस्तों के साथ में शेयर करो ताकि दोस्त जैसे जब साथ में पढ़ते हैं तो एक्चुअली मज़ा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो जितने ज़्यादा दोस्तों के साथ कनेक्टेड रहोगे है ना उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, उतनी ज़्यादा आप डिसिप्लिन वे में काम कर सकते हो। ठीक है, एक दिन किसी को आलस आ रहा है, नहीं दोस्त पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अच्छे फ्रेंडशिप का फ़ायदा ज़रूर मिलता है, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और यहाँ पर जो हम करना चाह रहे हैं वो क्या है, वी वॉन्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू किड्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो और रेगुलरली बच्चों क्लासेस अटेंड करो, यहाँ पर 7 to 10 यहाँ पर रेगुलरली आपकी क्लासेस हो रही हैं फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स की क्लास होती है 9 to 10, यू कैन डेफिनेटली मीट मी फ्रॉम 9 to 10 ताकि आपके मैथ्स के सारे फंडे क्लियर हो जाएं। मंडे ट्यूसडे वेनसडे हम 11th का फ्लो चला रहे हैं और फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा फ्लो जो चल रहा है दैट इज फॉर क्लास 12th। और अगर यहाँ पर कोई रिपीटर बच्चा देख रहा है ना, तो वो क्या सुन सकता है, यहाँ पे 12th वाले लेक्चर्स में इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है फ्राइडे से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वहाँ पे स्टार्ट करो पढ़ना, सारे फंडे आपके इंटीग्रेशन के भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, और बच्चों अगर आप यहाँ पर हमसे और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली मीट अस ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम और ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज वो एजुकेशन के लिए बनाए इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें आपकी हेल्प करते आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी आई गेस काफ़ी एक अच्छे तरीके से आपको बातें समझ में तो आ ही रही होंगी। ठीक है, ऑलराइट, तो अगर आप बच्चों ज्वाइन करना चाह रहे हो अनअकैडमी प्लस, आप हमेशा यूज कर सकते हो जेई लाइव कोड जो आपको एडिशनल डिस्काउंट देता है, एडिशनल आपकी प्राइस कम कर देता है फ्रॉम वॉट एवर प्राइस देयर यू कैन सी। ठीक है, ऑलराइट, सो विद दैट नोट लेट अस एंड अवर क्लास टुडे, मिलते हैं फिर से विद इंटीग्रेशन। ठीक है, और 11th का जो सीक्वेंस है उसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले स्ट्रेट लाइंस एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय।